नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोग भी औषधीय फसल अश्वगंधा या अन्य किसी औषधीय फसल की खेती करने जा रहे हो या फिर पहले से आप इसकी खेती कर रहे हो तो आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि इसकी खेती में हमें किस खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करना है और कब और कैसे कितनी मात्रा में करना है ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और हम अच्छा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं जानकारी अपलोड करूं आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके और आप लोग एक औषधीय फसल में जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना दोहराएं, क्योंकि किसान भाइयों मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो गलतियां मैं कर चुका हूं वो मेरे देश का कोई भी किसान भाई वो गलती ना दोहराए और नुकसान का भागीदार ना बने और किसी भी फसल में वो एक अच्छा मुनाफा ले सके। तो अब बात करते किसान भाइयों, अश्वगंधा यानी किसी औषधीय फसल में खाद या उर्वरकों की। तो किसान भाइयों, आपको इसकी बुआई करने से एक महीने पहले ही गोबर से बनी हुई एक साल पुरानी सड़ी हुई खाद ही लेनी है। आपको एक साल से नई और ताज़ा गोबर की खाद बिल्कुल नहीं लेनी। अब आपको एक एकड़ में दो ट्रोली गोबर से बनी हुई खाद का इस्तेमाल करना है और खाद डालने के दो दिन के भीतर ही आपको उसमें हल या अन्य किसी यंत्र की सहायता से खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने ज़्यादा दिन तक खाद ज़मीन के ऊपर रखी तो धूप में खाद खराब हो जाएगी और उसका फसल के लिए जो प्रभाव रहता है वो भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जब आपकी फसल उग जाती है, उगने के बाद में भी आपकी फसल कमज़ोर सी दिखाई देती है कुछ इस तरह से, तो अब आपके सामने समस्या यह रहती है कि हमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल तो करना नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी फसल भी अच्छी हो सके। तो किसान भाइयों, ऐसी स्थिति जब आपके साथ में हो तो आप लोगों को जो केंचुआ खाद रहती है, जैविक खाद जिसे बोलते हैं, उसी खाद का इस्तेमाल करना है। अब किसान भाइयों, आपको जैविक खाद अपने घर पर ही तैयार कर लेनी है, क्योंकि घर पर बनी हुई जो खाद रहती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है और उसमें बजट भी कम आता है, खर्चा भी कम आता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी अच्छी खाद घर में ही तैयार हो जाएगी कम बजट में। इस तरह की जो केंचुआ खाद रहती है, उस खाद का आपको एक एकड़ में एक से डेढ़ क्विंटल खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा छिड़क दीजिए। आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको छिड़कना है। ये खाद लेकर इसमें आपको एक क्विंटल से डेढ़ क्विंटल एक एकड़ में जब आपकी अश्वगंधा या अन्य किसी फसल को दूसरा पत्ता इस तरह से आप छिड़क कर उसको पानी पिला दे। जब आपकी फसल को दूसरा पत्ता आ जाए और फसल कुछ कमज़ोर दिखे तो आप जैसा मैंने बताया उस तरह से आप खाद छिड़क कर उसे पानी पिला दे। उसके 7-8 दिन के भीतर ही आपको फर्क नज़र आने लगेगा। देखिए किसान भाइयों, मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने भी इसी जैविक खाद का इस्तेमाल किया था। ये देखिए किसान भाइयों, उसका इस्तेमाल करने के बाद में ये अश्वगंधा एकदम हरी भरी
हो गई है। उससे पहले जैसा मैंने आपको पिछली अभी वीडियो में बताया था, उस तरह से कमज़ोर दिखाई दे रही थी। वो खाद का इस्तेमाल करने के बाद में कुछ इस तरह की हो गई है। अब किसान भाइयों, आपको जो जैविक खाद है केंचुआ खाद, वो आपको घर पे ही तैयार करनी है। आपको वो किसी दुकान या अन्य किसी भी व्यक्ति से आपको खाद नहीं खरीदनी है। आपको एक बार 40 से 50 किलो केंचुए खरीद लेने हैं, उसके बाद में आपको लगातार उसी केंचुओं से खाद बनाते रहना है। उस खाद का इस्तेमाल आप अश्वगंधा की फसल या अन्य किसी औषधीय फसल में भी कर सकते हो, और जो आपकी परंपरागत फसल है गेहूं, ज्वार, बाजरा या अन्य जो भी फसल है आपकी, उसमें भी उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा और आपको खर्चा भी बहुत कम आएगा। धन्यवाद।